शहडोल से जहां दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत, दो घायल हुए हैं। बारिश के कारण दीवार गिरने से हुआ हादसा। सीधी थाना के छपरा गांव के पटेरिया टोला की ये पूरी घटना बताई जा रही है। घर के आंगन में खेल रहे थे तीनों बच्चे। बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं शहडोल से ये बड़ी खबर। दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत, दो घायल। बारिश के कारण दीवार गिरने से ये पूरा हादसा हुआ है। सीधी थाना के छपरा गांव के पटेरिया टोला की ये पूरी घटना बताई जा रही है। घर के आंगन में बच्चे खेल रहे थे तीनों बच्चे। दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई, दो बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। बताते चले कि लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। ऐसे में बारिश के बीच कच्चे मकानों की स्थिति और साथ ही साथ जर्जर मकानों की स्थिति भी बिगड़ती जा रही है। और यहाँ पर ये बड़ा हादसा दीवार गिरने से। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी विनय तिवारी फोन जुड़ चुके हैं। विनय, क्या कुछ जानकारी इस अपडेट इस पूरे हादसे पर? मैं बता दूं कि आज बीती रात से शहडोल जिले में पूरी तेज बारिश के चलते, अतिवृष्टि के चलते ये हादसे हो रहे हैं। और ये सीधी थाने के अंतर्गत जो छपरा का पटेरिया टोला है वहां पर कच्चा गांव घर था। कच्चे घर में दीवार पूरी तरह भीग चुकी थी। वहीं आंगन में तीन बच्चे खेल रहे थे, कुशवाहा फैमिली के बच्चे थे तीनों। लगभग तीन से पांच साल के बीच के बच्चे थे, सरकार के। तो अचानक दीवार गिरी और एक बच्चा दब गया। तभी तत्काल ग्रामीणों ने और पुलिस भी मौके पर पहुंची और बच्चे को निकाला गया, तीनों बच्चों को, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई और दो बच्चों को अमझोर CST में तत्काल भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। इस मामले में पुलिस ने मार कायम कर लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, दोनों घायल बच्चों की फिलहाल स्थिति क्या बताई जा रही है? दोनों घायल बच्चों का इलाज चल रहा है और स्थिति अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनय तमाम जानकारी देने के लिए। पूरे मामले में अब जांच की जा रही है। कहीं ना कहीं ये बड़ा हादसा देखने को मिला है। इस पूरे हादसे में तीन बच्चे इस हादसे की चपेट में आए, जिसमें से एक की मौत हो गई तो दो घायल बताए जा रहे हैं। उनका उपचार जारी है। बढ़ेंगे आगे। धमतरी से खबर है जहां 5-5 लाख रुपए के दो इनामी नक्सलियों ने थाने पहुंचकर सरेंडर किया है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में एक महिला और एक पुरुष हैं। महिला नक्सली सीता नदी दलम का सदस्य बताया जा रहे हैं और जबकि पुरुष नक्सली गोबरा LOC का सदस्य बताया जा रहा है। महिला नक्सली पर जहाँ 14 मामले दर्ज हैं तो वहीं पुरुष नक्सली पर 32 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं बताते चले कि लगातार नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भी एक नक्सली ने थाने पहुंचकर सरेंडर किया था। तो जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। 5-5 लाख रुपए के दो इनामी नक्सलियों ने थाने पहुंचकर सरेंडर किया है।